नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। कानपुर नगर की सचेंडी थाना अंतर्गत भौती एसबीआई बैंक शाखा के बाहर एटीएम के साथ छेड़छाड़ करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार। बैंक कर्मचारी मुकेश चंद गुप्ता द्वारा जानकारी से पता चला है कि एटीएम से छेड़छाड़ करने वाला अभियुक्त पीएसआईटी कॉलेज का छात्र है और उसके कई साथी भी हैं इसमें संलिप्त। जबकि बैंक प्रबंधक द्वारा जानकारी देने के बाद भी सचेंडी थाना पुलिस ने नहीं की उचित कार्रवाई। पत्रकार द्वारा जब पूछताछ की गई तो थाना अध्यक्ष ने पत्रकार पर दबाव बनाकर खबर न चलाने की बात कही। जबकि एसबीआई बैंक कर्मचारी मुकेश चंद्र गुप्ता जी द्वारा तहरीर देने की बात कही गई है। जबकि सचेंडी थाना क्षेत्र में अपराध और जरायम क्राइम के काले कारोबार खुलेआम हो रहे हैं, फिर भी थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करना पुलिस की संलिप्तता को उजागर करता है। क्या मामला हो गया भैया? भैया जो कल रात में 2:30 बजे करीब जो है वो चीता पुलिस वाले जो होते हैं ना और नक्सल वाले वो सब आए, उन्होंने फोन किया कि आपके एटीएम में कुछ छेड़खानी हो रही है। वहाँ एटीएम सुबह जब हम लोग आए वहाँ पे एक तो वो उसको पकड़ा, वहाँ पे एक आदमी जो है भागते हुए गिर पड़ा, उसका पैर टूट गया तो वो अरेस्ट कर लिया गया। वो सचेंडी थाने में अरेस्ट है। वैसे कहाँ गए वो लोग? इंजीनियरिंग कॉलेज है। कौन सा? ये सचेंडी में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पीएसआईटी, वहाँ के बच्चे हैं।